guys and welcome back to the next video of Accounts Adda. आज है वीडियो नंबर 81 और वीडियो नंबर 81 में जो हम करने वाले हैं वो होने वाला है डिबेंचर्स इश्यूड एट कैश के क्वेश्चंस। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर इश्यू किए जाते हैं फॉर कैश तो किन टर्म्स पे इश्यू किए जाते हैं, लमसम था या इंस्टॉलमेंट, पार, प्रीमियम या डिस्काउंट, इन सारी चीजों को हमने एक बार पढ़ लिया था और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी देखे थे। आज इस वीडियो में हम बुक के कुछ क्वेश्चन उठाने वाले हैं और उनको यहाँ करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन पार प्रीमियम में करेंगे और दो क्वेश्चन करेंगे डिस्काउंट के, क्योंकि डिस्काउंट का टॉपिक न्यू टॉपिक है। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और एक चीज और, ये वीडियो देखने से पहले पिछली वीडियो नंबर 80 जरूर देख लेना क्योंकि उसके बिना ये वीडियो अधूरी है। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, सबसे पहला क्वेश्चन वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन पेज नंबर 5.84। अगर आपके यहां बुक नहीं है या एडिशन आगे पीछे है तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर वो क्वेश्चन देख सकते हैं, आराम से उसको देखो, ट्राई करो, हो जाएगा यार, कुछ नहीं है, सब भारी नहीं है, बहुत इजी है, शेयर वाला ही टॉपिक है, बस उसमें डिबेंचर आ चुका है। ठीक है, सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो एबीसी लिमिटेड कंपनी का नाम है, एबीसी पढ़ी लिखी कंपनी लगती है, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, इशूड 40,010% डिबेंचर्स, 40,000 डिबेंचर उसने इशू करे हैं, कौन से वाले 10%। मैंने गाइस पिछली वीडियो में बताया है दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसका कोई काम नहीं है, बस ये यहां लिखी जाती है। ठीक है, एट पार, पार पे इशू करे हैं, कैश पेबल इन फुल अलोंग विथ एप्लीकेशन, यानी सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ देना है, तो ये क्या हो गया लम सम, सारा पैसा इकट्ठा देगा। ठीक है, ऑफ रुपीज 100 इंच, 100 रुपए इंच के डिबेंचर है। ठीक है, आगे देखो एप्लीकेशन रिसीव फॉर 60,000, एप्लीकेशन कितने की आ गई 60,000 रुपए की। ठीक है, डिबेंचर वो अलॉटेड एंड द एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, डिबेंचर अलॉट किए गए हैं और एप्लीकेशन मनी को रिफंड किया गया, सीधी सी बात है भाई, 40,000 की जगह 60,000 आ गए तो बचे कुचे 20,000 को वापिस ही भेजना पड़ेगा। क्यों भेजना पड़ेगा, क्योंकि हम सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही ले रहे हैं तो फर्दर एडजस्टमेंट के लिए कोई भी पैसा नहीं बचता है। क्वेश्चन घर में आ गया, कंपनी ने 40,000 एप्लीकेशन बुलाई, 60,000 एप्लीकेशन आ चुकी है, कंपनी 20,000 को रिफंड कर रही है और बाकियों को डिबेंचर्स दे रही है। तो पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन। इसमें क्या आता है, टोटल अमाउंट रिसीव, तो भाई एप्लीकेशन के टाइम में कितने लोगों ने पैसा दिया, 60,000 लोगों ने, यानी 60,000 डिबेंचर्स का पैसा आया, पूरा पैसा इकट्ठा आ रहा है तो 100 रुपीज ईच, तो 60,000 × 10 कितना हो गया गाइस 60 लाख रुपए। ठीक है, यहां पे भी 60 लाख रुपए आ जाएंगे। अब क्या करना है, इस पैसे को छांटना है, जिनको डिबेंचर देने हैं उनको डिबेंचर दो और बाकियों को घर भेजो। ठीक है, तो अगला आ जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन टू, डिबेंचर कौन से हैं 10% डिबेंचर्स यहां लिखा जाएगा और बाकी को रिटर्न करना है तो टू बैंक एप्लीकेशन में, तो वही अमाउंट 60,000 डिबेंचर्स के 100 रुपए। ठीक है, कितने डिबेंचर कंपनी के पास देने के लिए, 40,000 डिबेंचर्स हैं तो यहां आ गया 40,000 × 100, रिटर्न कितने करने हैं 20,000 डिबेंचर के पैसे रिटर्न करने हैं तो 20,000 कितने रुपए लिए हैं एप्लीकेशन पे 100, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, कुछ भी नहीं है, शेयर्स वाला अगर आप लोगों को आता है तो इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर प्रीमियम देखते हैं, फिर दो क्वेश्चन डिस्काउंट के भी करेंगे। सो गाइस देखो, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो होने वाला है प्रीमियम का, क्वेश्चन हमने देखा है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, हम लमसम वाली करा रहे हैं क्योंकि इंस्टॉलमेंट में यार इतनी सारी एंट्रियां कौन लिखेगा। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, कुछ भी टेढ़ा नहीं है, बिल्कुल इजी है यार, कुछ नहीं, लमसम करा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट भी उस तरीके से है, आप लोगों ने शेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही कर चुके हो। देखो नारायण लक्ष्मी लिमिटेड
इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 7500 12% डिबेंचर, 12% उसकी इंटरेस्ट रेट, यानी 7500 डिबेंचर्स के लिए इशू किया है, ठीक है, और ₹100 ईच प्लस 35 प्रीमियम, ₹100 का डिबेंचर और ₹35 का प्रीमियम है, क्या बात है, ठीक है। द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, वही है सारा पैसा एप्लीकेशन पे देना, यानी ये भी कौन सा खेल है भाई, लमसम का ही खेल है। गाइस आप लोगों को पता है ना कि अगर इंस्टॉलमेंट होता और ये नहीं बताया गया होता कि प्रीमियम कहाँ लेना है, तो प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ लिया जाता है, ये गाइस सब लोगों को पता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो बस जनरल नॉलेज के लिए हम बीच बीच में बोलते रहते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन वॉज रिसीव फॉर 10,000 शेयर्स, कितने लोगों का पैसा आ गया, 10,000, ठीक है। अब देखो अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोरेटा बेसिस। अब देखो भैया प्रोरेटा बेसिस, अब भाई इस वर्ड से लोग कंफ्यूज जाते हैं, क्यों कंफ्यूज जाते हैं भाई, प्रोरेटा बेसिस का मतलब होता है कि भाई आगे के लिए एडजस्ट करना, ठीक है, समझो इस चीज को, ये छोटी सी चीज है, कहीं गलती करते हो, मैंने पहले समझाया आप लोगों को ये चीज, क्या है कि भाई जब सारा पैसा लमसम में ले लिया है तो कोई और पैसा बचा नहीं है, और पैसा तो लेने के लिए बचा नहीं है, तो हम इन बाकी जो 2500 शेयर होल्डर्स हैं, सॉरी डिबेंचर होल्डर्स हैं, जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी है उन लोगों का पैसा एडजस्ट नहीं करेंगे, यहां लिखा हुआ है प्रोरेटा, पर प्रोरेटा में यहां जो मतलब है वो ये मतलब है कि इन लोगों के पैसे को चुपचाप वापस कर दो, क्यों वापस कर दो, क्योंकि कंपनी ने सारा पैसा लमसम पे ले लिया है, अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती, मतलब ₹30 भी ले लिए बाकी ₹50-60 बाद में ले लिए तो वो बाद के लिए एडजस्ट कर सकती थी, पर यहां पे क्योंकि लमसम है तो प्रो रेटा हो या कोई सा भी रेटा हो हम क्या करेंगे, पैसे को रिफंड करेंगे। सो गाइस पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है, कितना अमाउंट आया डिबेंचर एप्लीकेशन के टाइम पे, कितने लोगों ने अप्लाई करा है, 10,000 लोगों ने, ठीक है, हर बंदे ने कितने पैसे दिए, ₹100 तो डिबेंचर के और ₹35 प्रीमियम के, तो कितने हो गए, 10,000 × 135, ठीक है, आगे समझो, नेक्स्ट देखें, डिबेंचर एप्लीकेशन टू कितने है, 12% डिबेंचर प्रीमियम है इसलिए SPR, और पैसा रिफंड करना है इसलिए बैंक के नाम से आ जाएगा। अमाउंट फिलिंग करें, देखो इस अमाउंट फिलिंग बिल्कुल इजी है, डिबेंचर एप्लीकेशन को कितने लोगों ने अप्लाई करा है, 10,000 लोगों ने अप्लाई करा है, ₹135 पर पर्सन दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो समझ लो, अब बात करते हैं डिबेंचर, मतलब कंपनी ने कितने डिबेंचर दिए, कितने डिबेंचर है कंपनी के पास, 7500, तो यहां लिखा कंपनी के पास है 7500 और हर डिबेंचर की कितनी कीमत है, ₹100 प्रीमियम है ना, तो ₹100 क्या है डिबेंचर की। अब समझो जिन लोगों को डिबेंचर मिले हैं, ये 7500 डिबेंचर जिन लोगों को मिले हैं उनसे प्रीमियम का पैसा भी लिया जाएगा, तो उनसे ले लेते हैं हम प्रीमियम का पैसा, तो 7500 उन्हीं लोगों से लिए ₹35 प्रीमियम से, क्योंकि जिनको डिबेंचर मिले हैं उनसे प्रीमियम का पैसा भी लेना है। अब बाकी जो बचे हैं उनको घर भेजो, कितने बच गए, 2500 डिबेंचर की एप्लीकेशन को घर भेजना है, हर बंदे से कितने रुपए लिए हैं, ₹100 डिबेंचर के और ₹35 प्रीमियम के, ठीक है, ₹135 रिटर्न। तो जिन लोगों को डिबेंचर दिए हैं उनके तो 135 एडजस्ट करे, 100 डिबेंचर में 35 प्रीमियम में, और जिन लोगों को कुछ नहीं दिया उनका ना तो प्रीमियम का पैसा रखना है ना एप्लीकेशन का पैसा रखना है, तो सारा पैसा क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ऐसे सिंपल है, मैंने लमसम में इसलिए समझाया ये वाला क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत गलतियां कर देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इंस्टॉलमेंट का तो आप लोगों को सबको आता है यार, सिंपल है वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट और वो सारी चीजें जो हम शेयर में करते आ रहे हैं, ठीक है गाइस। अब पार हो गया, प्रीमियम हो गया, अब आते हैं अपने खेल पे, यानी की बात करते हैं डिस्काउंट की। सो गाइस अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपकी बुक में, इस बुक में दो ही क्वेश्चन दे रहे हैं डिस्काउंट के, तो आप लोग देख लो अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 TS ग्रेवाल 2017 एडिशन पेज 8.55 आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है। सिंपल है, कुछ ऐसा खास नहीं है गाइस, बिल्कुल इजी है, अगर पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी है तो बहुत आराम से हो जाएगा, नहीं देखी तो प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई आ जाएगी, पर कोई टेंशन नहीं है, हम उस प्रॉब्लम को भी अभी सॉर्ट आउट किए देते हैं,
ठीक है। सो गाइस देखो चालू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। देखो ठीक है, मैं पहले इसको मिटा देता हूँ गाइस। देखो ठीक है, आप लोग जब तक क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, जितनी बार रीड करोगे उतना अच्छा। अकाउंट्स का एक छोटा सा रूल है, ध्यान रखना हमेशा गाइस, शायद मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ पर मैंने जब तक अब तक देखा है उसके साथ बता रहा हूँ। आप क्वेश्चन को जितनी बार रीड करोगे ना, उतनी बार आपको उस क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी। जब तक आपको क्वेश्चन, अगर आपने पूरा पढ़ रखा है, आप क्वेश्चन एक बार रीड करोगे नहीं आएगा, दो बार रीड करोगे थोड़ा और ज्यादा आएगा पहले से, और रीड करोगे थोड़ा और ज्यादा आएगा, और रीड करोगे थोड़ा और ज्यादा आएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको उस क्वेश्चन के बारे में सब चीजें पता लग गई। उसके बाद जब सब पता लग गया तो रीड क्या करना, सब तो कर ही लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10। एक्स लिमिटेड इशूड 12,008% डिबेंचर। एक्स लिमिटेड ने 12,008% डिबेंचर, 8% उनका इंटरेस्ट रेट डिबेंचर इशू किए हैं, कितने में? एट द रेट 100 ईच। कितने में? 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। अब यहां समझो भाई, 5% का डिस्काउंट, तो 100 का 5% कितना होता है? 5 रुपए। ठीक है ना, ऐसा कोई तो नहीं है भाई जिसको आता नहीं है 100 का डिस्काउंट, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। नहीं आता नहीं आता, सीख लेंगे हम। कैसे सीखोगे? देखो 100 रुपए का 5% तो इंटू 5/100। ठीक है, ये दो जीरो से दो जीरो, जब भी बीच में मल्टीप्लाई होता है ना तो कट जाते जीरो, तो 5 रुपीज आ गए। ठीक है, कैसे पेमेंट करना है? 25% ऑन एप्लीकेशन, 25% पैसा देना है एप्लीकेशन पे, 20% पैसा देना है अलॉटमेंट पे, और बाकी जो है बैलेंस देना है बाद। ठीक है, तो पहले पता लगा 25% कितना है एप्लीकेशन पे, तो पहले अपन निकालेंगे 100 रुपए का 25%, कितना हो गया? 25 रुपए। तो एप्लीकेशन पे देने हैं 25 रुपए, अलॉटमेंट पे ऐसे ही आप निकाल दोगे आएंगे 20 रुपए, बाकी बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल देखो, फर्स्ट कॉल कितने की होगी अगर समझना गाइस? मैंने पहले भी पिछली बार ही बताया है कि डिस्काउंट या प्रीमियम अलॉटमेंट मनी में जुड़ा हुआ ही होता है, तो यानी कि इस 20 रुपए में डिस्काउंट पहले से कटा हुआ है। तो भाई कटा हुआ है इसका मतलब शेयर की कीमत कितनी दिखाई जाएगी? 95 दिखाई जाएगी। सीधी सी बात है, जब डिस्काउंट 100 का शेयर है, 5 का डिस्काउंट हटाना है, तो शेयर कितने, डिबेंचर कितने में इशू होगा? 95। ठीक है, मैं बोल रहा हूं अलॉटमेंट के टाइम पे जो भी अमाउंट होता है ना वो डिस्काउंट काट के दिखाया जाता है। डिस्काउंट काटने का मतलब कि भाई इसमें से 5 रुपए पहले ही हटे हुए, तो यानी कि 5 रुपए हटाने के बाद टोटल कितना आना चाहिए? 95। तो फर्स्ट कॉल का टोटल बच गया 50 रुपए। अगर नहीं समझ में आया दूसरा तरीका देख लो। हाँ भाई, 25 रुपए एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 20 रुपए है, अलॉटमेंट पे डिस्काउंट काट के बताया जाता है, यानी अलॉटमेंट पे होंगे तो 25 पर 5 रुपए का क्या कर दिया? डिस्काउंट कर दिया। 5 रुपए का क्या कर दिया? डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, तो भाई एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे होने चाहिए थे 25, टोटल कितने हो गए? 50। बचे कुछ कितने हो गए? 50। सेम है कोई भी तरीका यूज करोगे सिंपल। ठीक है, तो ऐसे पैसे लेने हैं अपने को, क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, बस इतना ये क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहां से कर लेता हूं, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन टू, कितने परसेंट डिबेंचर है भाई? 8% डिबेंचर। इन चारों में एक ही अमाउंट आएगा। मेरे मार्कर की इन खत्म हो गई है, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ चलो, चारों में एक ही अमाउंट आएगा, कितना? 25 रुपए ले रहे हैं 12,000 लोगों से, तो 12,000 × 25 सेम है। ठीक है, आगे अलॉटमेंट की बात करें, स्क्रीन गई तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है? पहले डिबेंचर अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर पूरा लिखना है, टू कितने परसेंट है? 8% डिबेंचर। ठीक है, समझो एप्लीकेशन या अलॉटमेंट आएगा। हाँ, अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांग रही है कंपनी? 20 रुपए मांग रही है, तो 12,000 डिबेंचर होल्डर्स से 20 रुपए मांग रही है। पर डिबेंचर के है कितने रुपए? देंगे ये लोग 20 रुपए, पर डिबेंचर के कितने हैं? मांगने कितने थे? 25 रुपए मांग रहे थे, तो 12,000 × 25 यहां। ठीक है, इसका मतलब है कि डिबेंचर की कंपनी तो मांग रही है 25, पर ये लोग कितने देंगे? 20। ठीक है, तो मांगे कंपनी से 25 डिबेंचर, तो 25 इसमें आ गया,
देंगे कितने 20, तो 20 आ गया अलॉटमेंट है, बाकी 12,000 × 5 आ जाएगा यहाँ। सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, कितने रुपए मिलेंगे भाई, जितने मांगे उतने मिलेंगे, तो 12,000 × 20 रुपए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सिंपल। फाइनल एंट्री देखो, नेक्स्ट डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू 8% डिबेंचर, ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, ठीक है, तो चारों में एक ही अमाउंट आएगा, चारों में जो अमाउंट आएगा कितने रुपए पर फर्स्ट कॉल के 50 रुपए, तो 12,000 डिबेंचर्स के 50 रुपए, तो 12,000 × 50 यहाँ आ गया है। समझ आ गया, बिल्कुल था। छोटी सी चीज, मुझे पता है आप लोगों को शायद इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, वापस समझाता हूँ गाइस, अगर इसमें कंफ्यूजन है, नहीं है इसमें कंफ्यूजन, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो, जिनको कंफ्यूजन है वो यहाँ एक बार देख लीजिए। ये हमको बोला गया था कि भाई 25% लेना है एप्लीकेशन पे, 20% लेना है अलॉटमेंट पे, तो भाई सीधी सी बात है, कंपनी को टोटल डिबेंचर के कितने पैसे देने, 100 रुपए का डिबेंचर है, 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो कंपनी को इन टोटल 95 रुपीज देने। कंपनी 25 रुपए यहां ले रही है, 20 रुपए यहां ले रही है, बचे कितने 50 रुपए बच गए, ठीक है, हो गया सिंपल सा टोटल 95। और भाई अलॉटमेंट पे जब डिस्काउंट काट के बताया गया है, तो अलॉटमेंट पे होंगे 25, जिसमें से 5 का डिस्काउंट कट गया। अब तो समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है, तो जो भी मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है ना, तो अगर आपको आ गया हो तो अच्छी बात है, ठीक है। देखो तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करके खत्म करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, टीएस ग्रेवाल, टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन, आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, एक बार ट्राई करने की जो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा इस, अगर आप यार एक बार ट्राई करो, अच्छी बात है अगर आप लोगों को हो जाए तो, ठीक है, वीडियो आगे देखनी नहीं पड़ेगी, नेट थोड़ा सा बच जाएगा आप लोगों का, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में खास नहीं है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आराम से आ जाना चाहिए, क्योंकि वो और ये वाला क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हैं, क्योंकि दोनों में डिस्काउंट वर्ड आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अलका लिमिटेड इशूड 5,000 डिबेंचर्स, 5,000 10% डिबेंचर, अलका लिमिटेड है, इसने 5,000 10% डिबेंचर इशू किए हैं, ठीक है, मार्केट में इंक वापस आ गई है, ठीक है, ऑफ रुपीज 1,000 इंच, डिबेंचर की कीमत कितनी है 1,000, एक डिबेंचर की कीमत 1,000 रुपए, अच्छी बात है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट देके, ठीक है, 10% का डिस्काउंट है ना, आगे देखो 10% का डिस्काउंट कितना हो गया 1,000 रुपए का 10% कितना हो गया, कैलकुलेट करें, जिनको आता है अच्छी बात है 100 रुपए होगा, जिनको नहीं आता होगा इधर देख लो, 1,000 रुपए का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 10 × 10 = 100, ठीक है, आगे देखो रिड्यूमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर, गाइस जो ये लाइन लिखी हुई है ना यहाँ पे, अभी हम इस लाइन को काट देते हैं, क्यों मैं काट रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक मैं पहले भी कह चुका हूं कि भाई शेयर वाला और एक चैप्टर में ना थोड़ा सा आपका आगे पीछे दे रखा है, तो ये जो लाइन है ना रिड्यूमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5% या रिड्यूमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, आप सिर्फ इस 4-5 वर्ड को थोड़ा सा अनदेखा कर दीजिए, क्यों, क्योंकि ये हमारा आगे का टॉपिक है, वो हम जब आगे पढ़ेंगे ना तब बढ़िया है, हम सिर्फ नॉर्मल ये मानते हैं, ठीक है ना, 1,000 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपए काट के देना है, यानी कितने में इशू कराए भाई डिबेंचर 900 रुपए, ठीक है, डिबेंचर तो 1,000 का है पर 900 रुपए सामने वाली पार्टी को पेमेंट करना, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू 500 वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, 500 रुपए देने हैं एप्लीकेशन एंड द रिमेनिंग ऑन अलॉटमेंट, और बाकी बचे कुछ कितने हैं अलॉटमेंट पे देने हैं, ठीक है, बचे कुछ कितने रह गए गाइस, देखो टोटल 900 रुपए ले गए, 500 एप्लीकेशन पे ले लिए, तो 400 रुपए कहां हो जाएंगे अलॉटमेंट पे, कैसे होंगे, मैंने पहले बताया अलॉटमेंट पे डिस्काउंट काट के आया जाता है, तो 400 का मतलब होने तो चाहिए थे 500 पर 100 रुपए का ये कट गए डिस्काउंट के कट गए हैं, सो गाइस अकॉर्डिंग टू मी अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे, एक बार ट्राई करें, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, गाइस गलती मत कर देना, शेयर एप्लीकेशन मत कर देना, मैं भी कभी कभी कर देता हूं,
ठीक है ना। तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू कितना है 10% डिबेंचर्स, ठीक है। इन चारों में एक ही अमाउंट 5000 डिबेंचर 500 रुपए एप्लीकेशन के, तो 5000 इंटू 500, ठीक है। आगे देखो अलॉटमेंट वाली एंट्री करें, डिबेंचर अलॉटमेंट टू सॉरी हाँ डिबेंचर अलॉटमेंट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर पूरा लिखना है टू 10% डिबेंचर। अलॉटमेंट के कितने पैसे देगी सामने वाली पार्टी, 400 रुपए देगी, तो 5000 डिबेंचर के 400 रुपए ही चाहेंगे, जबकि कीमत कितनी है भाई 5000 डिबेंचर की अलॉटमेंट पे 500 रुपए कंपनी से जा रहे हैं, तो 5000 इंटू 500 यहां आए, बचे 100 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है इन लोगों को, तो 5000 इंटू 100 रुपए। वही चीज है कि 500 रुपए का डिबेंचर जा रहा है, आ रहे 400, तो 100 का क्या हो गया डिस्काउंट, ठीक है। लास्ट एंट्री देख लो भाई आएंगे कितने, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। इन दोनों में एक ही अमाउंट आएगा, 5000 इंटू जितने मांगे उतने देंगे, 400 रुपए मांगे हैं तो ये लोग 400 रुपए ही चुकाएंगे, ठीक है गाइस। समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग, बिल्कुल इजी है यार, एक बार आप देख लो, बिल्कुल आ गया होगा समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खाली है, जितनी बार भरोगे उतनी बार वो खाली होता जाएगा, पर हाँ दन के कमेंट ही करना, मतलब कुछ इधर उधर का क्या, आजकल मैं जैसे पिछली वीडियो में बताया है कुछ महानुभाव है जो कि ज्यादा ही उत्सुक हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कमेंट करने लग जाते हैं। सो गाइस देख लो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और एक चीज हमेशा याद रखो, कुछ भी हो जाए एक चीज हमेशा याद रखना, अगर नहीं आता तो उस चीज को सीखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। मैं भी जानता हूं और आप लोग भी जानते हो कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक परसेंटेज निकालना नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई क्या है क्या नहीं है नहीं आता, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता कभी नहीं सीखा तो आज सीख लेंगे, तो ये चीज हमेशा याद रखो कि अगर कुछ नहीं आता है तो आज नहीं तो कल उस चीज को सीखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम से जितना दूर भागोगे प्रॉब्लम में मैग्नेट लगी हुई है वो उतनी तुम्हारी तरफ खींचती हुई आ जाएगी। सो इससे अच्छा है दूर मत भागो, आगे खड़े होकर उसको गले लगा लो। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, कीप ऑन वाचिंग अकाउंट सट्टा, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और इजो के लिए है इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, बिजनेस के लिए है माइंड योर ओन बिजनेस, और इकोनॉमिक्स की बुक अमेज़न पे अवेलेबल है, सर्च फॉर इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स माइक्रो प्लस मैक्रो, ये सर्च करोगे आपको बुक मिल जाएगी, दोनों एक साथ खरीदोगे माइक्रो प्लस मैक्रो डाल के सर्च करोगे तो डिलीवरी फ्री है। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो।